एक रचना आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कविता का शीर्षक है यहाँ थूकिए। मैं आपने जो है नेता डाकू पुलिस और क्या रह गया पात्र देखे, बाकी। देखे, हाँ। एक विभत्स रस की कविता के माध्यम से आप लोगों को कुछ संदेश देना चाहता हूँ। बज बजाती हुई नाली में पान खाकर मैंने जैसे ही किया थूकने का प्रयास। बज बजाती हुई नाली में पान खाकर मैंने जैसे ही किया थूकने का प्रयास, एक कीड़ा उछल कर सामने आ गया अनायास। वह मुझे देखकर गुर्राया और डांटते हुए समझाया, थूकना ही है अगर तो शिक्षा का स्तर गिराने वाले विद्यालय पर थूकिए। बहुत अच्छा है, वाह वाह वाह। थूकना ही है अगर तो शिक्षा का स्तर गिराने वाले विद्यालय पर थूकिए, न्याय में उलट फेर करने वाले न्यायालय पर थूकिए। मुवक्किल को धोखा देने वाले अधिवक्ता, पेशी लेने वाले पेशकार पर थूकिए, भ्रष्ट इंजीनियर अथवा ठेकेदार पर थूकिए, थाने पर थूकिए, अस्पताल पर थूकिए, ब्लू फिल्म दिखाने वाले सिनेमा हॉल पर थूकिए। बहुत अच्छे। जवाहर योजना डकारने वाले प्रधान पर थूकिए, किसी सरकारी या गैर सरकारी संस्थान पर थूकिए, आखिरकार आप उन बैंक वालों पर क्यों नहीं थूकते जो कर्ज देते समय जनता से कमीशन लेने में नहीं चूकते। बहुत अच्छे, वाह। आखिरकार आप उन बैंक वालों पर क्यों नहीं थूकते जो कर्ज देते समय जनता से कमीशन लेने में नहीं चूकते, थूकिए उन पर जो बना रहे नकली दवाएं हैं, थूकने के लिए तो संसद है विधानसभाएं हैं। थूकिए उन पर जो बना रहे नकली दवाएं हैं, थूकने के लिए तो संसद है विधानसभाएं हैं, आखिर हर जगह तो उपलब्ध हैं थूकने के पात्र। आखिर हर जगह तो उपलब्ध हैं थूकने के पात्र, क्या आपकी दृष्टि में यही नाली ही रह गई है एकमात्र। आखिर हर जगह तो उपलब्ध हैं थूकने के पात्र, क्या आपकी दृष्टि में यही नाली ही रह गई है एकमात्र। एक तुच्छ जीव मेरे समक्ष इस तरह की बातें कह गया, मैं बेबस लाचार थूक घोंट कर रह गया। क्या बात है, आपने थूक के ऊपर इतनी लंबी कविता सुनी कभी? एक बार ताली बजा के बताइएगा आप।